गाइडलाइन मैं कह रही है कि जैसे कि आधे लोग बंद करो आधे लोग खोलो, आपने कहा लग रही है वो लोग आप कहाँ जाएंगे बेचारे, अब गाड़ी भी नहीं है, परेशान हो रहे हैं वो लोग, उनके जाने का अब साधन क्या है, नहीं तो सामान खरीद सकते वो, और दुकानों का आगे गोले बनाए, जो दुकान बंद है तो गोले क्यों बनाए, इस सरकार का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, ये गोले नहीं बनाए थे, जो मार्केट बंद है तो क्यों बनाए, इसकी क्या जरूरत थी? जो भाई साहब जो तस्वीर दी थी वो आपने बताने सर सीधी गहराई थी, आपने तस्वीर मैं पूरी बताऊं कि जन जगह गोला की था वन जगह दुकान बंद है, यानी कि गोला कान कौमे आ रही है, और तस्वीर बहुत बड़ी शानदार चीज है। वैसे और भी क्या चीज लगे आपने के कहा बहुत बड़ी लापरवाही, ये लॉकडाउन जो कोरोना बीमारी का रमजान महीने में आती है, 15 लाख लोगों श्रद्धालु ने डुबकी लगाई वहाँ पे, जब कोरोना नहीं फैला, 5 राज्यों में चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जब कोरोना नहीं फैल रहा है, कोरोना बिजवा रही है, और मैं गाइडलाइन काफ़ी दे रही है सरकार, आपने कहा लग रही है कि लापरवाही ओपरी है या बिजवा रही है कोरोना? ये लापरवाही पब्लिक से नहीं आई, सरकार ने जो बसें आई ना भर भर के बेंगलोर बॉम्बे से, वो खाली उनको कोई जाँच नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेनों में जाँच हुई है, प्राइवेट बसों में जो बेंगलोर बॉम्बे पुणे अहमदाबाद लोग आ रहे हैं। खबर एक आ भी आई थी झालो महोत्सव हुआ वन टाइम में कोरोना के तो उस टाइम कोरोना घूमने चला गया था, क्योंकि इनका सरकार का जब काम होता है जब तो कोरोना खत्म हो जाता है, और पब्लिक के जब शादी आई है आकर थी जो लोगों को बेचारों के शादी बनानी है, हर मार्केट वाला परेशान है 12 महीने से, आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कौन देगा उनको? एक गुच्छो देखे जो मारवाड़ी गुच्छो देखना बहुत जरूरी है, काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों ने ठाले पड़ी हुई है, सब चीज़ तस्वीरें मैं कह दी, और भी लोगों से मैं बातचीत करने पहला एक और जान मैं आइए बन में काफ़ी चीज़ें देखी, कोई लोग नाराज भी है कोई लोग खुश भी है, उन्होंने तो बात करो ओ भाई सब का है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री साहब आपको ज़्यादा इलेक्शन टाइम के आप भीड़ क्यों करते हैं, आपका कोई कार्यक्रम और नेता लोग आते हैं वहाँ भीड़ आप कार्यकर्ताओं की क्यों करते हैं इसके उसके ऊपर? कोरोना तो नेताओं ने भी वेरियो नहीं, कोरोना नेताओं ने भी वेरियो है, कोरोना तो नेताओं ने भी वेरियो कोरोना ज्यादा नेता लोगों के होते हैं, उनके 50-50 लाख रुपए का बीमा पास होता है, ये जन आधार कार्ड मनुष्य के उनके भी 50 लाख का बीमा आरोप लगा रहे नेताओं माते के नेता भी घना है, उन नेताओं की पहले समस्या सुनो उसको पाबंद करो फिर बाद में जनता को पाबंद करना, ये हमारी अवस्था है। आपका काम करे रखा चीज आई भी खबर था कि मारे दर्शक लेते हुए थोड़े नहीं था पड़ी लोग आजकल किराना हमारे लेने आते ब्याह शादी उनके बच्चों की शादी थोड़ा थोड़ा हमारे ले जाते पुलिस वाले भी तंग करते हैं उनको चालान काटते हैं वो करते हैं वो ये समझिए जो गाइडलाइन है उनमें बाजार बंद करवा रही आई है और एक प्रकार जरूरी आइटम है जैसे कि दूध डेयरी है खावा पीवर आइटम है मेडिकल है अनंत चालू करवा रखे बाकी लोग कटे जाए हेलो बाकी लोग गर्मी का मौसम है इलेक्ट्रिक सामान भी से जो पंखा भी ठीक करना हो रहा है आका तिजोरी सीजन है तो जो दुकान डाले जैसे कपड़ों की दुकान है वे लोग का करी कपड़ा भी आज ब्याह शादी है उन लोगों का भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट की सुविधा हो रही है या तो टैक्स बंद कर दो साफ सुविधा दो उनको भी किराया दो बता दो उनके बुजुर्गों का भी जी गवर्नमेंट कर्मचारी को सुविधा देते जैसे जाती व्यापारी को भी सुविधा दी जाए बहुत अच्छी शानदार चीज़ है।